अरे जाइए ना भाभी, भाभी सिमी जान को बाहर मत निकालिए भाभी। हाँ भाभी। आप सिमी जान को बाहर नहीं निकाल सकती। तुम दोनों होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? हाँ ये मेरा घर है, मैं बताऊंगी यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये यहाँ नहीं रह सकते। अरे इसका खर्चा कौन उठाएगा? भाभी मैं। और तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अब भी बाहर निकाल करती हूँ इसे। भाभी मेरे पास एक तरकीब है। सत्रह परवास आपने बोला था सिमीचान की गुड़िया को ढूंढने वाले को आप 1000 दिनारी दे देते, लेकिन हम तो असली सिमीचान ले आए, तो दीजिए 2000 दिनारी। बच्चे ये कौन सा फातिहा पढ़ रहा है हम पर? 2000 दिनारी बोलो तो 1000 दिनारी में गुड़िया बना कर दूं। अरे आप सदर है परवाज के, अपनी जबान के पक्के। अब जिंदा सिमी जान के लिए 2000 दिनारी की सौगात तो दे सकते हैं। या तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप सिमी जान के लिए 2000 दिनारी भी नहीं दे सकते? वाह तब्बा। ना ना 2000 दिनारी क्या चीज है, आपके लिए तो हम अपनी सारी दौलत निछावर करते हैं। लो बच्चे तुम्हारा इनाम, क्या खुश रहो। भाभी ये लीजिए आपकी खिदमत में। वो 1000 दिनारी, इतनी दिनारी एक साथ देखे हुए तो जमाना हो गया। ये सिमी जान तो मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इस मुर्गी को मैं अब्दाली के हाथों हलाल नहीं होने दूंगी। इस मुर्गी को मैं यही रखूंगी और अब्दाली से सोने के अंडे लेती रहूंगी। अब आपका इतना मन है यहाँ रहने का तो आप यही रह जाइए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। जरूरत है। हमें है इनकी। लेकिन इन्हें जरूरत नहीं है ना? अब ये सामने से कह रही है कि ये यहाँ रहना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ रहबर? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ सिमी जान का ख्याल रखने के लिए। उन्हें यहाँ किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बस उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें काफी नाजों से पाला गया है, तो शायद आपके जैसे ऐशो आराम नहीं दे पाएंगे। बस क्यों नहीं दे पाएंगे? अरे अपनी सिमी जान की ऐशो इशरत के लिए हम आपको दिनारी अता करेंगे। बस इस बात का ख्याल रहे कि हमारी सिमी जान की खिदमत में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल रहबर। वाह सिमी जान, मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी दिनारी कमाने का जरिया है दुआ। तो सिमी जान इजाजत ले। वैसे दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन अलविदा कहना पड़ेगा। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप परेशान ना हो, वैसे हम आपकी खैरियत लेने के लिए बार बार आते रहेंगे। और अगर आपको हमारी याद आए और आप हमारे बगैर रह ना पाए तो हमसे कह दीजिएगा, हम तंबू गाड़ के यहीं रुक जाएंगे। बस अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें नहीं इनसे कहिएगा, ये हमें कह देगी। चलते खुदा हाफिज। जय जय आप जय सिमी जान। मुझे क्या चाहिए वो मुझे पता है अब्दाली, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। जवाब चाहिए कि क्या नाता है उस रखवाले का इस यतीम खाने से।
ये बच्चे, नाजिया, वो बूढ़ी औरत कहीं रखवाले की खास तो नहीं है? तौबा, मेरा तो जी बहुत घबरा रहा था। मुझे तो लगा कि सदरे परवाज आज मुझे ले ही जाएंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे साथ तो दो मजबूत कंधे हैं जो हमेशा मेरी हिफाजत करेंगे। आप दोनों के साथ बहुत महफूज लगता है मुझे। अरे आप फिक्र मत करिए सिमी जान, अब सदरे परवाज आपको अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। अब तो बस ये दरीबा आपको यहाँ से ले जाएगा अपने साथ। हाँ, और ले जाके मेरे घर छोड़ देगा, और फिर वहाँ हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे साथ साथ। साथ साथ नहीं, सात आठ बार समझा चुका हूँ तुम्हें और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सिमी जान मेरी है, तेरी भाभी। देख तेरी बा, सिमी जान मेरी है, और मेरी बात का यकीन ना हो तो जाके नूरा दादी से पूछ ले। उन्होंने दरारे खाला की तरह ये भी बताया था कि मेरा और सिमी जान का निकाह होगा। हाँ, और निकाह के दो दिन बाद चांद की तरह तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाएगा। देख तेरी बा, तू पुराना दोस्त है, हद से आगे मत बढ़। सिमी जान मेरी है। देखो मैं भी दोस्ती की वजह से ही चुप हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ सिमी जान मेरी है। अच्छा, कौन सी बात? जी कौन सी बात? वही जो आप सोच रहे हैं। जी मैं क्या सोच रहा हूँ? अभी बताया ना नूरा दादी के बारे में कि उन्होंने पहले ही बता दिया था दरारे खड़ा के बारे में, ये भी बता दिया था कि चांद के दो टुकड़े होने वाले हैं, याद आई? जी अच्छा ये बात। सिमी जान, हमारी नूरा दादी कोई मामूली दादी नहीं है। 40 चोरों की गुफा से जिंदा निकल के आने वाली वो आखिरी इंसान है। गुफा से बचने वाली आखिरी इंसान कहीं ये वही बूढ़ी औरत नूरा तो नहीं? इन इंसानों को उनके लालच की सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। ये बहुत नरम है। परवाज आने के बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और फिर कभी बाहर ही नहीं निकली। फिर वो उस दिन निकली जिस दिन हुआ दरारे खला, और उन्हीं ने तो बताया था कि चांद के दो टुकड़े होंगे। इस औरत के गुफा से भागने के बाद मुस्तफा ही पहला इंसान था जो मेरी गुफा में आया था। कहीं मुस्तफा और इस औरत का आपस में कोई ताल्लुक तो नहीं है? अब ये दोनों नमूने ही मुझे इस सवाल का जवाब देंगे। वैसे सच कहूँ तो आप दोनों बिल्कुल दादी की तरह, एकदम लाजवाब। अब देखिए ना, दादी ने तो पहले ही बता दिया था ना कि चांद के दो टुकड़े होंगे, और वैसा हो भी गया। काश दादी ये भी कह देती कि मेरे दिल के भी दो टुकड़े हो जाएंगे, तो मैं मेरे दिल का एक एक टुकड़ा आप दोनों को दे देती। सच कहूं तो मैं आप दोनों के इश्क में निसार हो जाना चाहती हूँ। जरूर निसार हो जाए सिमी जान, लेकिन दोनों के इश्क में, सिर्फ मेरे इश्क में नहीं। सिमी जान, अगर आप तरीबा के इश्क में निसार हो गई तो दुनिया को तो इश्क से यकीन ही उठ जाएगा ना। और तौबा, अच्छा लतीफा कर लेते हैं आप। वैसे मैं जानती हूँ
किस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहा? यही कि अगर उस गुफा से बाहर निकलने वाली आखिरी इंसान दादी थी तो इसका तो यही मतलब है ना कि वो जादूगर मुस्तफा को जरूर जानती होंगी। मतलब जादूगर मुस्तफा ही है ना वो जिन्होंने 40 चोरों का डट के मुकाबला किया था। जानती है, ये समझ लीजिए जान छिड़कती है दादी जादूगर मुस्तफा पे। दादी और जादूगर मुस्तफा। तरीफा जल्दी बाहर आओ, सदरे परवाज ने तुम दोनों को याद किया है। अरे अरे चिल्ला चिल्ला के बाहर मेला मत लगाओ, आते हैं। इजाजत दीजिए। ये सदरे शाही सड़क सदरे परवाज कब से हो गए? ये दोनों बस बताने ही वाले थे कि जादूगर मुस्तफा और उस बुढ़िया का क्या रिश्ता है, इतने में वो मनहूस अब्दालिया क्या। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, माफ करना मुझे, मैं इस गुड्डे को इंसान नहीं बना पाया। ये काम बहुत ही खतरनाक शैतानी ताकतवर साये का है। हमने अपनी तरह से पूरी कोशिश की पर अब इन गुड्डों को वापस इंसान बनाने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जादू तुम्हें भी आता है, जादू मुझे भी आता है, यही बात कही थी जादूगर मुस्तफा ने मुझसे और यही बात उस रखवाले ने भी दोहराई थी मेरे साथ। कैसे मुस्तफा की कही ये बात कैसे पता है उस रखवाले को? क्या नाता है मुस्तफा का रखवाले से? क्या नाता है मुस्तफा का इस यतीम खाने से? और क्या नाता है मुस्तफा का तुझसे? बोल बुढ़िया, कैसे जानती है तू जादूगर मुस्तफा को? क्या रिश्ता है तेरा उससे? और सच बता, सच नहीं बताया ना तो आज इस पूरे परवास के शहर को मैं पुतलों का शहर बना दूंगी और शुरुआत होगी इस यतीम खाने के लड़कों से। गरीबा खुसरो बोया नफी सबके सब, सबको मैं पुतला बना दूंगी। और तू देख लेना दरीबा, सिमी जान मेरे प्यार में ही गिरेगी। हाँ गिरे हुए इंसान के साथ तो गिरेगी ना बेचारी, तुम्हें तो शर्माएगी नहीं अपनी भाभी जान को गिराने में। भाभी होगी तेरी, बेगम होगी मेरी। ख्वाब देखो ख्वाब। जी बताइए हमें यहाँ क्यों बुलाया? इतना सारा सामान, बेटी को निकाह के बाद रुखसत कर रहे हैं क्या? खामोश, हमारी कोई बेटी नहीं है, ये तो हम सिमी जान के लिए भिजवा रहे। बेटी नहीं तो क्या हुआ, बेटी जैसी तो है ही ना। बेटी जैसी नहीं, भाभी जैसी। तुम्हारी सिमी जान भाभी नहीं, तुम्हारी सिमी भाभी। ये सारा सामान हम उन्हें इसलिए भिजवा रहे हैं ताकि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, किसी बात के लिए मोहताज ना हो। क्या कहा आपने? सिमी जान भाभी, अरे कुछ तो शर्म कीजिए सदरे परवाज। इस उम्र में अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह करेंगे आप? और आपकी उम्र तो देखो, ऊपर वाला भी दो चार दिन ही बड़ा है आपसे। और वैसे भी सिमी जान आपके ऐसे बुड्ढे से निकाह करके जवानी में बेवा बनेगी क्या? मुझसे निकाह करेंगी? मुझसे नहीं, वो मुझसे निकाह करेंगी। देखो दरीबा, खामोश। अपनी गंदी और गलीज जुबान से अगर सिमी जान का नाम भी किया तो, और खबरदार अगर हमने बूढ़ा कहा तो, आज भी इन फौलादी बाजुओं में इतनी ताकत है कि दुश्मन की तलवार को तोड़ के रेजा रेजा करते हैं। देखिए आप सदर परवाज हैं, इज्जत करते हैं आपकी, लेकिन माफ कीजिए आपके अंदर सिर्फ अब धुआं बचा है, चिंगारी पूरी बुझ चुकी है। सिमी जान को कैसे जीतेंगे आप? सदर शाही परवाज से मजाक की भी एक हद होती है। ठीक है, हम सदर शाही परवाज अवाम में यह आम ऐलान करते हैं कि जिस किसी शख्स में ताकत और कुव्वत है वो हमारे मुकाबले आके खड़ा हो और हमसे मुकाबला करे, फतेह जिसकी होगी।
सिमी जान उसकी होगी। नाजिया भाभी को मौका चाहिए बस काम करवाने का, कभी झाड़ू पकड़ा देती है तो कभी पोछा। और नहीं तो क्या, हम बच्चे छोटे बच्चे, पकड़ाना है तो बुलानी शीरिया निहारी पकड़ाओ, लेकिन नहीं झाड़ू पकड़ा देती है। ये देख नफी, वापस में हमें जो भी पढ़ाते थे समझ ही नहीं आता था, लेकिन उनके साथ पढ़ने में बहुत मजा आता था। अब जाने कब उनके साथ पढ़ने को मिलेगा। पोया, ये देखो कैसे लगे, ये तो बहुत अच्छे हैं। देखा, मैं जानती थी तुम लोगों को ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे। तो फिर ये कपड़े आए कहाँ से? क्या हुआ कि नाजिया भाभी को महंगे लिबास पहनने का बहुत शौक है ना, तो वो जो महंगे लिबास बनाने के लिए कपड़ा लाती हैं, वो बच जाता है, तो उस बचे हुए कपड़े से मैंने तुम लोगों के लिए नए कपड़े बना दिए। वालिफी, तुम्हारी चालाकी के लिए पोया तुम्हें सलाम करता है। वालिफी, तुमने हमें नए कपड़े तो दे दिए, लेकिन तुम्हारे नए कपड़े कहाँ हैं? मुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत, मेरे पास तो पहले से बहुत कपड़े हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हर दिन बाबा वाली बात, हमारे लिए इतने अच्छे नए कपड़े ला दी और अपने लिए कुछ नहीं लाए। अलीफी, नफी, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है, कब वापस आएंगे? तुम परेशान मत हो पोया, बाबा काम से बाहर गए हैं ना, हर बार की तरह इस बार भी जरूर वापस आएंगे। हाँ पोया, बाबा जरूर वापस आएंगे। कपड़े देखो, मैं अभी आती हूँ। हाँ, बहुत जल्दी वापस आ जाओ, आपके बच्चे भाभी और दादी भी आपका इंतजार कर रही है। दादी से तो मैं सुबह से ही नहीं मिला, चाकल देखना चाहिए कि उन्होंने खाना खाया या फिर नहीं। अब पापा नहीं है तो मैं ही इस घर का जिम्मेदार मल दूं, मुझे ही दादी का ख्याल रखना होगा, वरना क्या जवाब दूंगा मैं बाबा को? दादी, दादी, देखिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म कावा और चलपक लाया हूँ। दादी कहाँ चली गई हैं? दादी, दादी, दादी कहाँ चली गई? दादी दिख ही नहीं रही। दादी, दादी कहीं दादी गायब तो नहीं हो गई? अरे फिर नफी, दादी कहाँ चली गई है, मिली नहीं रही है। क्या क्या तुमने सारे कमरे देखे? हाँ मैंने सारे कमरे देखे, लेकिन दिखी ही नहीं। दादी बाहर तो नहीं चली गई? दादी, दादी रुको, ऐसा भी हो सकता है कि दादी गलती से अपने आप को किसी अलमारी में बंद कर लियो। दादी, दाद देती हूँ मैं तेरी, जो मुझसे बचकर मेरे गुफा से तू बाहर निकल के। बड़ी हिम्मत है तुझ में, और यही हिम्मत जादूगर मुस्तफा में भी थी। बेखौफ जादूगर मुस्तफा, जो बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करता था। जिसे आपके यहाँ पहरेदारी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कहते हैं जहां हटी नजर वहां शिकार फुर। और यही हिम्मत उस रखवाले में भी है। तीनों के तीनों बेखौफ चाबास। कौन हो तुम तीनों? क्या नाता है तुम्हारा एक दूसरे से? और बढ़िया मुस्तफा, रिचा रिचा कौन है? रिचा रिचा मुस्तफा,
मुस्तफा, ख्वाला, दोनों का नाम ले रही है तू, इसका मतलब तुमको तो जानती है ना? बोल, क्या नाता है? दादी, कहाँ हो आप दादी?